वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सच्चे पिता वाहिगुरु धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज मेरे पिता वाहिगुरु साहब जी की सभा चल रही सी। उन्हां दे विच बहुत ही सोहना ते सुनखे सिंह साहब जी आ गए ते महाराज जी कथा सुनिया करते सन। ते महाराज जी जदों भी कथा करनी उसके चेहरे वाल वेख के ते निक्का निक्का मुस्कुरा के ते कथा करया करते सन। ते एक दिन उस नूं सोहने जिहे सुनखे सरदार भाई साहब जी नूं अपने उत्ते मान जिहा हो गया कि गुरु साहब मेरे चेहरे वाल वेख के ते कथा करते ने। ते होवे ना मैं अज होर भी उदू भी सोहनी तो सोहनी दस्तास जाग जावां। उसने जी बहुत सोहने बड़े प्यार दे नाल दतार सजाई। दस्तार सजा के जिस टाइम जा के सभा जान लगा ते फिर उन्हें दोबारा शीशे वाल वेख्या। जो शीशे वाल वेख्या ते उसके सोहने दाड़ दे विच एक हीरा सी। हीरा की सी जो सी चिट्टा वाल। और उन्हें यह सोचा भी मेरी सारी का दाड़ा काला है एक विच चिट्टा वाल है होवे ना मैं इन विचों पट दिया। उन्हें की किया जी वह विचों एक वाल पट दिता। पट के ते जा के जिथे अगे रोज आसन पैंदा सी उस जगह जा के बैठा बैठा ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज मेरे पिता जी ने उहदे चेहरे वाल वेख के ते अपनी पिठ कर ली ते उसके वल वेख्या भी नहीं ते बार बार वह घूम घूम के अगे नोवे भी गुरु साहब मेरे वाल वेखण। गुरु साहब ने वेख्या ही नहीं ते अखीर वह उठ के जो सभा तो समाप्त होया सत्संग समाप्त होया ते गुरु साहब उठ के चले गए। अगले दिन फिर आए आगे बैठे थे फिर उस जगह ते आ के अपना सिंह छड़ दूजी थान होके बैठे भी इधर मैनू गुरु साहब वेखणगे। ते गुरु साहब जी ने उधरों फिर अपना मुख फेर लिया। जो मुख फेर लिया ते वो बार बार उधर नूं देखे भी मैनू वेखणगे गुरु साहब मैनू वेखणगे लेकिन गुरु साहब जी ने उसके वल ध्यान ही नहीं किया। जिस टाइम उस तो बाद सत्संग खत्म होया ते गुरु साहब जाण लगे ते उठ के आ के गुरु साहब दे अगे हथ जोड़ के खड़ा हो गया। कहिंदा महाराज तुसीं रोज मेरे चेहरे वाल वेख के ते तुसी कथा करते सी सत्संग करते सी और अज दो दिन हो गए तुसी मेरे वाल देखते भी नहीं और मेरे वाल पिट कर लेंदे हो ते की मेरे तो गुनाह हो गया। ते महाराज अगों कहंदे ने भाई तू साडा सिख नहीं रहा हुण। कहन लगे भी क्यों भाई। महाराज जी कहन लगे भाई तू साडा कीमती हीरा साडा जिहड़ा तू खो दिता है। कहंदे महाराज कीमती हीरा मैं ते तुहाडा हीरा नहीं लिया। कहंदे भाई तेरे दड़ दे विच बड़ा सोहना एक सफेद वाल विचकार तेरे दड़ दे सामने असी उस नूं वेख के कथा करते ना कि तेरे चेहरे नूं वेख के ते उह साडा हीरा विचों पट दिता है। इस वास्ते भाई तेरा अज तो बाद साडे नाल खत्म हो गई ना तेनूं इत्थे साडा सहारा मिलेगा ना तेनूं अगे साडा सहारा मिलेगा। ते जिहड़े साडे वीर एडे एडे सोहणे दस्तारा सजा के नाइयां दुकानां जा के बैठे ने अपने दाड़े कटांदे ने उहनां दा की हाल बनेगा। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹੋ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਦਾੜੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਈਆਂ ਜਗਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦਾੜੇ ਕਟਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨਾ ਡਰੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚੱਲੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਓ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਗਾਤਰੇ ਪਾਓ ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਈਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮੀਟ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਹੈ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਧੱਕੇ ਖਾਓਗੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਕਮਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਭੰਨ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।